विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर रखना। समाहित शिव कथा कह रही है महाराज। वरतंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र बेलपत्र सुख देने वाले। शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहां होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहां पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे और आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने, शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है उस बीच में, कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है घर में, जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में, 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है, देवाधिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा
हे स्कंद देव, हे कार्तिके, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीप दान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, मां पार्वती के साथ में और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में, उन्होंने वर प्रदान कर दिया षडानन कार्तिके। भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा षडानन कार्तिके, इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर दे। ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, मां जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव ब्रह्माणी षडानंद कार्तिके को वर प्रदान कर दे। संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है, पूरे संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, बोलो सही है कि गलत है? संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है, एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है और दूसरा पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती है। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। आदमी किसके लिए कमा रहा है? सुबेरे 8 बजे से दुकान पर बैठता है, रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठता है, दिन भर मेहनत करता है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं तो सोने की रोटी खाते होंगे, चांदी का कटोरा पूरा की पूरा खा जाते होंगे। अगर करोड़पति भी करोड़ों का धन कमा रहा है, गरीब बड़ा भी अगर धन कमा रहा है तो वो दो रोटी ही खा रहा है। एक भिखारी हमारे दरवाजे पर जब भीख मांगने के लिए आता है वो भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी भीख मांगने दरवाजे पर आता है तो हमको ज्ञान देने के लिए आता है। भिखारी ये कहने के लिए आता है भैया मुझे रोटी दे दो, भैया 2 रुपया दे दो, वो रुपया लेकर रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे के बाहर एकांत में बैठकर रोटी को खाता है। बोलो खाता है कि नहीं खाता? भिखारी जब दरवाजे पर आता है तो ज्ञान देने के लिए आता है, रोटी मांगता है, दरवाजे पर खाता है। दुकानदार के सामने भिखारी जब मांगने के लिए आता है तो वो ज्ञान देने के लिए आता है, दुकानदार से कहने के लिए आता है कि देख मैं भीख मांगकर खाता हूं तो भी समय पर रोटी खाता हूं और तू दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। 10 बजे का टिफिन तैयार है, पत्नी फोन लगा रही है, सुनो भोजन का टाइम हो गया, 11 बज रही है, 11:30 बज रही है, 12 बज रही है, स्वामी भोजन कर लो, स्वामी आओ भोजन कर लो। पत्नी पति को बुला रही, बच्चे बाप को बुला रहे, पापा समय हो गया अभी तक नहीं आए, भोजन करना है, पापा आओ। भाई भाई को कह रहा है देख फैक्ट्री बाद में चले जाना, दुकान बाद में चले जाना, चल रोटी खा पहले। पत्नी रोटी के लिए बुला रही, बच्चे रोटी के लिए बुला रहे, पर अभी बस 2 ग्राहक और कर लूं इसके बाद आता हूं, 2 फाइल और निपटा लूं इसके बाद आता हूं, 2 काम और कर लूं इसके बाद आता हूं। और हम जिस रोटी के लिए कमा रहे हैं, जिस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस रोटी के लिए हम 24 घंटे लगे हैं, मालूम पड़ा वो रोटी धीरे धीरे छूटती चली गई। 10 बजे रोटी खाने वाला 12 बजे खा रहा है, 12 बजे वाला 1:30 बजे खा रहा है, फिर बीमारी हो गई शुगर की, बीमारी हो गई बीपी की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं। समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है, समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती है। पूछो कभी
एक भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर खर्च करें। हम कमाई का अंश, इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि तुम तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दिया ना या किसी को दान करिया ना। हम इतना जरूर कहते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो, उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे कि तुमने मेहनत कर कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया। खर्च किया तुमने। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह लें, मेरा परिवार सुखी रह लें। समय आता है, आगे वर्णन आया, तारकासुर के तीन पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, और ये तीनों पुत्र हैं, ये बड़े विकराल, बड़े प्रबल। इनको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी शांत हो गए, तो पिता के शांत होने का इनने बदला नहीं लिया, इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी। तब तरकर ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए, हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, मरना तो पड़े, प्राण तो छूटे, तो हमें वर दो, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तीन पुरियों का निर्माण कर दीजिए जिन पुरियों में हम निवास करें। तीन पुरियों का निर्माण करा, तीनों में जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों निवास कर, तीनों ने निवास किया। जब तीनों निवास करने लगे, सोने की पुरी, तांबे की पुरी, लोहे की पुरी, पुरी का मतलब होता है क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो रह रहा है। तीनों ने सुंदर सुंदर महल का निर्माण किया, तीनों और सुंदर महल का निर्माण कर कर तीनों जब रहने लगे, हाहाकार मच गया। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे, एक जगह पर कभी एकाग्रित नहीं होंगे। यह हमको सीखने की बात है, शिव महापुराण की कथा बहुत कुछ सिखाती है हमको। जब भी तीर्थ करने जाओ, पूरा घर का व्यक्ति एक साथ मत जाओ, यह शिव पुराण सिखाती। किसी नदी में स्नान करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ, घर में किसी का ना किसी का रहना जरूरी है, ये शिव पुराण सिखाती है हमको। षडानंद कार्तिके चले गए, तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर ने जाकर तीन पुरियों को भस्म कर दिया। तीन पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा इन तीनों का संहार करिए। देव अधिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों पुरियों के राजा एक जगह एकत्रित हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे तारकाक्ष विदुम्माली को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, उसने फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवाधिदेव महादेव लिए थे, जैसे ही पशु भगवान पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया, तो केदारेश्वर हो गए, और शीश गिरा नेपाल में तो पशुपति भगवान शिव पशुपति नाथ। शंकर जी ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं है, शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए। हाथ में त्रिशूल लेकर देवाधिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुम्माली को मारा, पीछे से कमलाक्ष फिर आया, शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्ष की को मार दिया। तीनों के प्राण छूट गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। बोल पशुपतिनाथ भगवान की, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर देवताओं ने आनंद पाया, भगवान शंकर जी ने
पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट किया। क्या क्या चीज प्रकट करी, जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही, पांच सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है, छह दिए प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर तीन हिस्से होना, छह दिए को रखकर पांच दिए प्रज्वलित करना, तीन हिस्से प्रसाद के हो जाए तो दो हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, एक हिस्से को और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापिस अपनी थाली में रख लेना बाबा से प्रार्थना करकर। छठे नंबर का जो दिया लेकर गए हो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे पांच व्रत। पांचवे व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी एक स्वाद दाने चावल के हो, फूल हो, पंखड़ी हो, पत्ती हो, बाबा को समर्पित, बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते पांच व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना, बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देता है। आप में से भी कई माताओं के पशुपति व्रत होंगे, हैं? कईयों के होंगे, और उस बीच में आपको ये पांच दिन की शिव महापुराण की कथा में एक दिन की भी अगर कथा मिली है तो समझना कि बाबा की कृपा आप पर हुई है। ये शिव कथा। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तन्तु। महर्षि वर्तन्तु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तन्तु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स, और वर्तन्तु जो कह देते थे, महर्षि वर्तन्तु जो बोलते थे वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तन्तु का एक काम बड़ा प्रबल था, तो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो मैं पूजन करने आ रहा हूं, पार्थिव लिंग का निर्माण करो मैं पूजन करने। ये वर्तन्तु ऋषि, महर्षि वर्तन्तु कोत्स से कहते थे। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरुजी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव गुरुजी पधारो गुरुजी पधारो, आवाज लगाता। वर्तन्तु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा का, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तन्तु महर्षि बैठ जाते, एक बार कोत्स भरी निंद्रा में सो रहा था, उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर रहे। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर, आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में, संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते ना। पर आज कोत्स ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल रूप धारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण यमदूत ये अंदर आ गए। तो कोत्स क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है, तुम कौन हो, कहां आए हो? कहा वर्तन्तु के पास में आए। क्यों? बस वर्तन्तु के पास में हम पहुंचे उनको लेने। ओ क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर फेसबुक पर सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कोत्स की और वर्तन्तु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर गुरुवर
जब पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड़ लड़ाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने दो बार व्रत कर लिया भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते हैं, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, ले हिचकी लेगी जेठानी, सिर तुम्हारा दुख रहा गोली निकाल के जेठानी को दे दो खा ले। वो पूछे क्यों, मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है, जम के बोलो, छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही, और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है, नहीं, छींक तुम्हारी है तुमको छींकना पड़ेगी, खांसी तुम्हारी है तुम्हें खांसना पड़ेगा, शरीर में कष्ट तुम्हारे है दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी, उसी तरह व्रत तुम्हारा है तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं, पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया, बेटी ने तीन बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना, क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा, पर विचार कर थाली लगा दी तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूं, चावल रख रही हूं, बेलपत्र रख रही हूं, पुष्प रख रही हूं, एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूं, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूं, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूं, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूं, हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता तो पशुपति व्रत का पुण्य भी दो व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। यह नियम है शिव महापुराण। शिव भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका, लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा मैं शंकर की आराधना, हां लक्ष्मी जी ने कहा आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी मां, लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? भगवान नारायण की सासू का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी की मां भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी। लक्ष्मी जी कहती हैं मेरी मां ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता रही हो, मन विचलितता में, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना करना। वरतंतु जी के लिए कहा आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोष कर देता। आज